गाइस कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी रात हो चुका है, रात का 8 बजता है और मैं अभी 1.5 घंटा पहले आई हूँ मार्केट से। तो सोचा चलो मैं बनाती हूँ, जो चीज़ बनाऊँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं अपने किचन में मीठा चीज़ बनाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बट गाइस आज सुबह में मेरा किचन फिक्स हो चुका था और मैं सुबह में ना पहले चाय बनाई, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, तो मैं आप लोगों को सॉरी नहीं दिखा पाई। उसके बाद सारा काम पड़ा हुआ था, फिर मैंने काम किया, उसमें मार्केट गई, उसके बाद मैं अभी आई हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी दही बाड़ा एंड रसगुल्ला, तो ब्लैक वाला काला जामुन बनाने वाली हूँ गाइस। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। एंड उसके लिए मैं दही बाड़ा के लिए पहले इमली मंगवाई हुई हूँ। तो आप देखो इमली मैं कुछ अलग तरीके से दही बाड़ा बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीठा चटनी बनाती हूँ, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड यहाँ मेरा फ्रीज में दही बाड़ा का उड़द दाल मैंने पीस लिया है एंड मैंने रख भी दिया था, ये देखो। एंड चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमली का चटनी बनाऊंगी गाइस। फिर मैं इसको गैस पर चढ़ा दूंगी और मैं इसको ना करीब 20 से 25 मिनट मतलब बहुत ही देर तक मैं इसको खुलाती हूँ, बहुत ही देर तक। और इसमें मैं चीनी भी डाल देती हूँ गाइस। तो मैंने ये देखिए सारा इमली मैंने छान के रख लिया है एंड जितना बीज था मैंने निकाल दिया है। और आप जब तक गढ़ा नहीं हो जाए तब तक आप इसको खुलाते रहो। और चलो मैं इसको तो सस्पेन में बैठा दी एंड मैं यहाँ पर तावा बैठा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं इस पर ना जीरा और जो सूखा लाल मिर्च होता है ना मैं उसको यहाँ पर भूंजूंगी, क्योंकि दही बाड़ा में ना इसका ना जो पाउडर होता है ना ऊपर से डालने के लिए काम आता है। तो मैं सोची चलो पहले मैं थोड़ा छोटा छोटा चीज़ जो है ना मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस मैं इसको जीरा और तावा को भी गर्म करने के लिए रख रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ गाइस एंड यहाँ पे मैं लाल मिर्च ला रही हूँ एंड मेरी बहन भी यहाँ पे है बैठी हुई है तो मैं उसी से बातें कर रही थी। तो आप लोग सोच रहे हो मैं अपने में बातें कर रही हूँ, तो मैं अपनी बहन से बातें कर रही थी। एंड किसको दही बाड़ा पसंद है गाइस आ जाओ। एंड अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी तो आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जितना वो जो दही बाड़ा का जो पानी में वो उसको फ्लोरा का जो डालकर ऐसे किया जाता है ना उससे ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना। एंड ये देखिए मैं इसमें चीनी डाल दी हूँ इमली में, आप लोगों ने देखा ना। और ये देखिए सारा मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ इमली। और यहाँ पे देखिए सारा मैं जीरा को और सूखा लाल मिर्च को मैं भून रही हूँ। एंड गाइस ये देखो मेरा दही, इतना दही मेरा जम गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्ट के साथ दही जम गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं जा रही हूँ दही बाड़ा का फुलौड़ा छानने। मेरे साइड तो उसको फुलौड़ा बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो मैंने इसमें ना गोलकी का पाउडर डाल दिया खुद के, अब मैं इसमें नमक डालूंगी। हाथों से मिक्स करूंगी।
एंड गाइज मैं आपको यहाँ पे ना चींटी दिखा रही हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा चींटी है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो वाले भी रूम में था, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत ही ज़्यादा चींटी है। एंड आप सोच रहे होंगे ना कि मेरा किचन गंदा है, तो गंदा नहीं है गाइज, पेंट हुआ है ना, तो वही पेंट सब छूटा नहीं है, बट उसको मैं धीरे धीरे छुड़ा लूँगी। एंड चलो आप लोग देखो, और यहाँ देखो मेरा जो क्या कहते हैं फ्लोरा का दहीवाड़ा का जो घोल है, मैं उसको मिक्स करके अपने वो कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके डाल रही हूँ, छोटा छोटा नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए। और मैं एक साइड ना पानी का चीनी का सीरा बैठा दी हूँ रसगुल्ला के लिए, कि चीनी का सीरा जब बन जाएगा तो मैं उसमें ना रसगुल्ला बना कर उसको तल के जल्दी उसमें डाल दूँगी, तो दोनों मेरा एक साथ हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे मेरी बहन कुछ करने के लिए आई है, मैंने उसको बोला कि जाओ तुम भिंडी तब तक काट दो, क्योंकि मुझे ना भिंडी का सब्जी बनाना था इसलिए। तो मैं सोची पहले ये सब बना लेती हूँ मैं, तो वो उसको मैंने बोला कि जाओ तब तक तुम काट दो, उसके बाद में ये सारा मेरा बन जाता तो उसका मैं बना लूँगी फिर। तो मैं यहाँ पे रोटी एंड भिंडी का सब्जी एंड दही बाड़ा एंड रसगुल्ला मैं बना रही हूँ। सो गाइज आप ये देखो, मैं आप लोगों को फटाफट दिखा दी। और पता है क्या, मुझे प्यास लग गया तो पानी नहीं था, तो चलो उसमें यहाँ पे कोको कला या पेप्सी था कुछ ऐसे, हाँ पेप्सी था, तो मैं उसको फिर पी के फिर अपना प्यास को बुझा ली। और देन में यहाँ पे आप देखो मेरा दहीवाड़ा का फुलौड़ा बन चुका है, एंड मैं अब जा रही हूँ रसगुल्ला का घोल घोल करने के लिए, क्योंकि रसगुल्ला का जो आटा होता है ना, उसको आप जब उसको मिक्स करते हो ना, मतलब गूंथते हो ना, तो उसके आधे घंटे बाद ना उसको करना चाहिए, उसको गोल गोल करना चाहिए, क्योंकि तब तक वो क्या होता है ना, फूल जाता है। जैसे कैसे जैसे रोटियाँ के लिए हम लोग आटा को गूंथते हैं ना, तो एंड आटे को हम लोग रख देते हैं कि रोटी गोल गोल फूल जाए अच्छे से, वैसे ही जस्ट वैसे ही करना है, आटे को बहुत ही अच्छे से गूंथना है एंड उसको थोड़ा देर के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि वो अच्छे से रसगुल्ला हमारा फूल जाए। सो आप ये देखो मेरा रसगुल्ला फूल चुका है, एंड मैं यहाँ सब कुछ तैयारी करने के लिए अब आ गई हूँ। तो ये देखो गाइस, दहीवाड़े को पहले मैं यहाँ पे चम्मच से उसको छेद छेद करूँगी, ताकि उसके अंदर ना दही चल जाए इसलिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कम से कम करीब 5-6 दही फुलौरा जो है वो मैं लूँगी, और उसके बाद मैं इसको ऊपर से गाढ़ा गाढ़ा दही डालूँगी। गाइस ये घर का मेरा जमाया हुआ दही है, मैंने उसको जमाया है खुद से। और ये देखिए सब दही मैंने मिला लिया, एंड ये जो पाउडर है जो मैंने आप लोगों को बताया था जीरा एंड मिर्चा का, उसका पाउडर मैंने डाला, ये इमली का चटनी मैंने ऊपर से डाला है। और यहाँ मैं डालूँगी काला नमक, और फिर मैं डालूँगी चाट मसाला, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, आप लोगों को भी खाने का मन कर रहा होगा ना। एंड ये देखिए मेरा रसगुल्ला, सो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से सामने से। सो गाइस मैंने बना लिया, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एंड मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो मैं बनाऊँगी। सो बस मेरा बन चुका है, एंड कैसा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, खा तो नहीं सकते हो आप लोग, लेकिन बस देख के ही बताना कि कैसा लग रहा है देखने में। और सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे इन करती हूँ, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा वीडियो में। तब तक बाय बाय गाइस, एंड मेरे वीडियो पे प्यार देते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, एंड लाइक भी करना, कमेंट करना ना भूलना गाइस। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, प्यारा सा वीडियो में, बाय।